अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि जब बाज़ार से आप मटका लेकर आएँ तो उसे कैसे धोएं और क्या क्या करें जिससे कि मई जून के महीने में भी हमारे मटके का पानी एकदम ठंडा रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं नया मटका लेकर आई हूँ, बरेली से लेकर आई हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं टंकी वाला मटका लूँ, मगर टंकी वाला मटका कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। कल मैं बरेली गई तो मुझे रास्ते में टंकी वाला मटका दिखा, तो मैंने फ़ौरन खरीद। आज मैं बताऊँगी आपको कि नया मटका जब हम लाएँ तो उसमें कब पानी भरें, कैसे इसे धोएँ, क्या चीज़ डालें जो ये पानी ठंडा बिल्कुल रहेगा हमारा। तो चलिए इसे धोने चलते हैं। सबसे पहले हम इसे धोएंगे, तो सबसे पहले हम मटके को धो लेंगे, क्योंकि मटके पे जो है अंदर बाहर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। तो अच्छे से मटके को बाहर से धोएं, हाथ डालकर अंदर से भी धोएं। दो तीन बार धोएं जिसमें जो रेता है, मिट्टी है, वो सब निकल जाए। उसके अंदर जब आप एक बार हाथ डालकर मिट्टी विट्टी सब धो लें तो उसके बाद हाथ नहीं डालें और ना स्क्रैबर से धोएं से। जब अच्छे से हम वॉश कर लेंगे मटका तो उसके बाद फिर टंकी से के नीचे हम रखेंगे और अच्छे से बाहर से बिल्कुल गीला कर लेंगे ताकि इसके जो रोम छिद्र होते हैं उन तक में पानी पहुंच जाए अंदर से। और फिर मटके के अंदर पानी भर देंगे। अब पानी भर जाएगा ऊपर तक तो हमारा जो मटका है वो अंदर उसके रोम छिद्र जो छेद होते हैं छोटे छोटे अंदर तक मटका गीला हो जाएगा और बाहर भी पानी डालते रहें। अगर आपके पास कोई टप है, कोई चीज़ है, तो उसमें भी डुबो के रख सकते हैं और यह उसके ऊपर भी गीला कर लेंगे, बाहर से तब पानी डाल लेंगे, जिससे यह है हमारा मटका अंदर से बाहर से दोनों से गीला हो जाएगा। तो इससे हमारा मटका बिल्कुल साफ भी होगा और अंदर तक गीला होने से हमारा पानी हमेशा ठंडा रहेगा। और एक दो टिप मैं आपको और बताऊंगी बाद में, जो पानी हमारा मटके का बिल्कुल ठंडा रहेगा। भीषण गर्मी यानी कि मई जून के महीने में भी पानी बिल्कुल ठंडा। मैंने ऊपर तक पानी भर दिया है और बाहर से बिल्कुल गीला रखा है, तो 24 घंटे के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। 24 घंटे हो गए पानी को, अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। तो मटके का मैंने सारा पानी फेंक दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मई जून के महीने में मैं बताऊंगी कैसे पानी मटके का ठंडा रखा जाए। तो सारा पानी फेंकने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे नमक, तो खाने वाला नमक होता है, हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वाइट नमक, वही नमक डालेंगे। और गुलाब जल लेंगे और एक चम्मच गुलाब जल डाल देंगे। इसे इस तरह से घुमा लेंगे जिससे सब तरफ हमारा नमक और ये गुलाब जल लग जाए। गुलाब जल और नमक डालोगे, इसमें आधा घंटा हो गया। अब इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। टंकी के नीचे रखेंगे और इसे नीचे रखेंगे और इसे घुमाते हुए सारा पानी इसका निकाल देंगे। और ध्यान रखें इसे पानी में हाथ बिल्कुल नहीं डालना, बस ऐसे ही घुमाते हुए दो तीन बार अच्छे पानी से धो लेंगे। नमक और गुलाब जल से जो होता है हमारा पानी मटके का बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। अब क्या करना है, अब मटके में जो हम पानी पीते हैं, जो आप आरओ का फिल्टर का जो इस्तेमाल करती हूँ, वही पानी इसमें भर दीजिए। मटके में फिल्टर के पानी को रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं, इस पानी को हम फेंक देंगे। अब उस वाले पानी को हमने फेंक दिया है, अब दोबारा हम आरओ का पानी इसमें भर लेंगे और इस पानी को हम पियेंगे। तो भर लेते हैं। अब मटके को हमें कैसे रखना है, तो आपके पास कोई भी एक प्लेट हो, कोई गहरा बर्तन हो, मेरे पास ये डिब्बा पड़ा हुआ था, ये सब टूट गया है तो मैं ये इस्तेमाल में लूँगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो गमले की मिट्टी है, कहीं भी मिट्टी हो, उसे डाल देंगे। तो इसमें हमने मिट्टी कर दी और इस तरह से मिट्टी को फैला देंगे और इस मिट्टी पर थोड़ा पानी डाल देंगे। मिट्टी वैसे ये गीली है, अगर सूखी हो तो आप इसमें पानी डाल दें तो इससे मिट्टी हमारी गीली हो जाएगी और इसमें खूब हमारे मटके को तली मिलेगी। तो अब इसके ऊपर हम मटका रखेंगे, इसमें हम रख देंगे और उसके बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे। अब एक टॉवल लेंगे या कोई आपके पास कट्टा का जो होता है ना, उसका सुतरी वाला कट्टा, और वो कट्टा हो उसका कपड़ा हो धो ले लें, या एक कॉटन का कपड़ा, या इस तरह से टॉवल ले लें, इसे गीला कर लेंगे। अब गीले टॉवल को हम मटके के चारों तरफ लपेट देंगे। देखिए इस तरह से टॉवल को बिल्कुल लपेट दें और घड़े को बिल्कुल ढक दें। अब ये गीला टॉवल हमारे मटके पे लिपट गया है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो बाहर की गर्मी है बिल्कुल भी मटके पे नहीं लगेगी और इससे हमारे मटके को तरी मिलेगी। अगर टॉवल
सूख जाए तो इस तरह उसे पानी डालकर गीला कर लें। अब हमारे नीचे से भी मिट्टी है और उससे भी हमारे मटके में तरी जा रही है और ऊपर से भी जब टॉवल लिपटा हुआ है यानी कि गीला तो उससे भी हमारे मटके में तरी जाएगी, तो पानी बिल्कुल भी हमारा गर्म नहीं होगा, एकदम ठंडा बना रहेगा। अगर नीचे की मिट्टी सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मिट्टी गीली हो जाए। अब 5-6 घंटे हो गए हैं, हम पानी चेक कर लेते हैं तो फ्रिज के बराबर तो चिल्ड नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा है पानी। तो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आप घड़े का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।